कैसी मनीषा? वेयर इज द ड्रेस? टेल मी. ओके, यू कांट डू इट अप. हाई एवरी वन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सोल इन वन चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल. सुबह का टाइम है लेकिन बहुत अर्ली नहीं है, तकरीबन 8:30 बजे हैं और आज मैं काफ़ी लेट तक सोई हूँ. 8 बजे के करीब मैं उठी थी. वीकेंड पे ऐसा होता है कि जब तक कीवी सोई रहती है तब तक मैं भी लेटी रहती हूँ, बट आज मेरी आँख खुल गई थी 8 बजे और ईवी मैडम अभी भी सोई हुई हैं. विकास जल्दी उठ गए थे और उन्होंने उठ के चाय भी यहाँ पे बना दी है, तैयार हो गई थी. बस चाय मैंने यहाँ पे प्यालों में डाल दी है और बड़ी शांति से बैठ के आज हम चाय एंजॉय करने वाले हैं. कैसी मनीषा? किसने बनाया? मेरे हस्बैंड ने. अच्छी बनी होगी. बाय डिफॉल्ट वो क्वालिटी तेरे हस्बैंड में बाय डिफॉल्ट. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू. तो चाय हमारी हो गई थी और सुबह उठे थे तो धूप निकली हुई थी और अभी देखिए बाहर बारिश भी हो रही है, साथ साथ ओले भी पड़ने शुरू हो गए. और बस इसके बाद ईवी मैडम भी हमारी उठ गई थी, फिर रद्वी भी उठ गई थी. तो बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया, उनको बटर टोस्ट दिया था मैंने दूध के साथ, और ईवी की दूध की बॉटल तो आपको फ्रिज में ही दिख जाएगी. उसने तो बिल्कुल कसम खाई है कि दूध पीना ही नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी ब्रेड उसने खा ली थी. फिलहाल यहाँ पे मैं अपने और विकास के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ. तो ये है मूंग जो मैंने स्प्राउट करके रखी थी. ओवरनाइट मैंने इसको सोक किया था, उसके बाद पानी उसका छान के इसी बॉक्स में मैंने इसको रख दिया था खिड़की में ढक्कन लगा के, और 24 आवर्स में ही विंडो में ये इतनी अच्छे से स्प्राउट हो जाती है. ना मैं कभी किसी कपड़े में बांध के रखती हूँ, ना ही कभी जो है मैं इसको किसी वॉर्म प्लेस पे रखती हूँ, बस खिड़की में रख देती हूँ. थोड़ी बहुत धूप इसको लग जाती है अगर बाहर निकली होती है, अदरवाइज ऐसे भी और कोई भी मौसम हो बहुत ही आसानी से स्प्राउट हो जाती है. तो स्प्राउट की यहाँ पे मैं एक ये फ्राई बनाने वाली हूँ जो बहुत टेस्टी लगती है. कढ़ाई में बिल्कुल 1 चम्मच ही मैंने ऑयल डाला है, उसमें मैंने हींग, जीरा, थोड़े से करी पत्ता चॉप करके, साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्ची फाइनली चॉप करके ऐड करी है. थोड़ा सा उनको भून के और उसके बाद जो ये हमारी स्प्राउटेड मूंग है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. इसको गलाना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, बट वही होता है कि सुबह सुबह वो ठंडा जो ब्रेकफास्ट होता है वो नहीं खाया जाता है, और ना ही मुझसे मीठा खाया जाता है जैसे लोग सीरियल्स खा लेते हैं, ओवरनाइट ओट्स वगैरह खा लेते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं खाया जाता है. तो ये एक अच्छा सा हेल्दी वे है, चटपटा लगता है. टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है. थोड़ा सा बस इसको चला देंगे, कवर वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इसको पकाना नहीं है. लेकिन हाँ स्टीम थोड़ी सी लग जाती है तो ये उतनी क्रंची नहीं होती है, हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है. अगर आप स्प्राउट नहीं खा पाते हैं तो एक बार इस तरीके से आप ट्राई करें. थोड़ा और इसको सॉफ्ट करना हो तो थोड़ा बहुत आप पानी डाल के इसको कवर करके भी पका सकते हैं. और बस बाद में मैंने इसमें हरा धनिया चॉप करके ऐड कर दिया है, और ये रेसिपी बिना हरे धनिए के कंप्लीट नहीं होती है, और विकास भी आराम से खा ही लेते हैं अदरवाइज हरा धनिया देख के वो भी बहुत नाक मुंह चढ़ाते हैं. अब इसको सर्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने थोड़े से इसके ऊपर टमाटर डाल दिए हैं, डीसीडेड कर लिया था, और आप अगर अनियन खा लेते हैं सुबह सुबह तो बारीक कटी हुई अनियन भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, नमकीन डाल सकते हैं, भुजिया वगैरह. मैंने बस थोड़ी सी फरफर के साथ जो है इसको सर्व कर दिया है. और यहाँ पे देखिए बस ओले दिखाने की मैं कोशिश ही कर रही थी. जाना
सो ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा और उसके बाद हम लगे घर की साफ सफाई में। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हमने अदवी के लिए टैबलेट लिया है। एक्चुअली उसके बर्थडे पे हमको ये देना था लेकिन तब ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तो तब हम ले नहीं पाए थे। और अभी भी आई थिंक ये 7th या 8th मार्च का आया हुआ था, तभी ओपन कर लिया था, तभी मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था बट आपके साथ शेयर नहीं किया था बिकॉज मुझे ये था कि पहली बार ही हम इस ब्रांड की चीज़ ले रहे थे कि कैसा निकलता है, सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा निकला है, 15-20 दिन हो गए हैं यूज़ करते हुए और बहुत ही सही है। तो डूजी ब्रांड का है, T30S ये ब्रांड है और 11 इंच की इसकी डिस्प्ले है। कैमरा इसका कमाल का है, जो रियर कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। 11 इंच की इसकी डिस्प्ले है, जैसे बताया 2.4K IPS डिस्प्ले है इसका। बहुत ही लाइट वेट सा एलिगेंट इसका डिज़ाइन है। जो रैम है इसकी वो 16 GB की है और 256 GB रोम है इसकी। 8580 मिली एम्पियर आर की इसकी बैटरी है और क्वाड बॉक्स स्पीकर है इसका, स्मार्ट PA है, हेडफोन भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और आप इसको एज ए लैपटॉप भी यू नो यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल कीबोर्ड इसके ऊपर लगा के। तो हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे कि कुछ अफोर्डेबल रेंज में मिल जाए और यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर इसका मॉडल नंबर वगैरह दिखा रही थी। और बिल्कुल स्लीक सा डिज़ाइन है और कैमरा तो खैर है ही कमाल का। तो यू नो आपको पता होगा कि मेरा अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट है तो वहाँ से जब मैं चीज़ें लेती रहती हूँ और आप लोगों को भी मैं लिंक प्रोवाइड कराती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत वहाँ पे कमीशन मिल जाता है तो मेरे पॉइंट्स काफ़ी इकट्ठे हो रहे थे तो हमने उन्हीं को ऐड अप करते हुए ये लिया है। और मैं अपने स्टोर फ्रंट के थ्रू जो है वो आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे के लिए आप सोच रहे हैं तो आप बाय कर सकते हैं। और मैं कोड भी आपको दे दूंगी, उससे आपको 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यस, और मेरे स्टोर फ्रंट पे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड अप हैं जो मैं घर में यूज़ करती रहती हूँ, जो प्रोडक्ट्स आपको पसंद आते हैं तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वो एक ही लिंक है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी मिल जाएंगी। तो अपना टैबलेट देख के अदवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी एंड दैट वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट, जब वो इस तरह से डिस्प्ले के ऊपर से उसने ये शीट उतारी है। और बस इसको कुछ इंस्टॉल तो करना नहीं होता है, बस ये है कि हाँ इसको स्टार्ट करना है, बहुत ही इजी है और ऑलरेडी ये चार्ज्ड आता है पूरा। वाईफाई अगेन ऑब्वियसली टैबलेट है तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ें यू नो जो भी एक लैपटॉप में होती है ना वो सब कुछ है इसमें। बट मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि इसका कैमरा इतना अच्छा निकलेगा। तो यहाँ पे बस अभी स्टार्ट ही कर रहे थे और इसमें लैंग्वेज हम लोग पुट कर रहे थे तो इंग्लिश भी ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अमेरिकन US वो सारी अलग अलग दी हुई थी तो बस वही ढूंढ रहे थे कि हाँ UK हाली इंग्लिश जो है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। उसके बाद फिर वाईफाई का पासवर्ड वगैरह इसके अंदर ऐड किया है, कुछ एक ये कनेक्शन मांग रहा था कि किसी ईमेल आईडी के थ्रू आपको इसको लॉगिन करना है तो सिंपल है, जब भी लेते हैं इस तरह की डिवाइस तो यही सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो है वो पहला फोटो अदबी का लिया है एंड शी वॉज लाइक डूइंग जय हिंद। तो यहाँ पे फोटो लिया और हमें यहाँ समझ नहीं आता, हमने इसकी ब्राइटनेस बहुत कम की हुई थी तो वो चमक नहीं रहा था। बाद में फिर इसकी ब्राइटनेस हमने करी तो हमें वो फोटो क्लियर दिखाई दिया एंड वी वर लाइक अमेज्ड। और इसका जो फ्रंट कैमरा है ना आप उसको भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ये फीचर मुझे बहुत पसंद आया। तो यस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफी दिन से यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। और इसमें हमने पैरेंटल लॉक भी लगा दिया है तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये बंद हो जाता है अगर वो 2 आवर्स से ज़्यादा इसको यूज़ कर रही है और क्या क्या ऐप वो देख रही है तो वो सब हमने इसके अंदर लगा दिया है। बड़ी स्क्रीन चाहिए थी है ना? It's because of my head. Yeah. Use it for gently. Yes. And for the purpose that we discussed. Not for the thing. I use for studying. Yeah. And Pinterest. How does it look like? Working smooth है? Oh yeah. इसमें तो डूडल भी कर सकते हैं अपना
ड्राइंग वगैरह सारी चीजें हैं इसमें. हाय. यस हाय. कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है. इट गिव्स यू लिपस्टिक. और हाँ, ईवी से थोड़ा बचा के रखिए. इसका कवर ऑर्डर करना है. अद्वी मैडम हमारी बहुत ही ज्यादा हैप्पी है अपना टैबलेट लेके. एक्चुअली जो पहले हमने उसको दिया था ना वो छोटा सा था, और अभी ईवी के वो हम वो दे देते हैं तो वो यूज कर लेती है उसको. और अद्वी को फिर होमवर्क भी मिलता है ऑनलाइन, उसको चाहिए होता है लैपटॉप वगैरह तो कुछ है नहीं उसके पास, तो ये हमें सही ऑप्शन लगा और एज ए लैपटॉप भी इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. चलिए आ जाते हैं करंट डे में. तो साफ सफाई सारी हो गई है, लाइक वैक्यूम वगैरह हो गया है, और साफ नहीं किया है, मैंने नहीं किया, वीकेंड पे वही जिम्मा उठा लेते हैं इन चीजों का. बट आज एक मेजर काम था वो ये कि मुझे दोनों कमरों की बैटिंग वगैरह चेंज करनी थी. पहले मैं हर हफ्ते करती थी लेकिन अब मैं दो हफ्ते में करती हूँ, क्योंकि ऊपर का फ्लोर इतना यूज होता ही नहीं है. हम लोग सिर्फ सोने के लिए ही आते हैं, तो ऐसा नहीं कि दिन में भी बेड पे बैठे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ गंदा हो रहा है, नथिंग लाइक दैट. तो मैं दो हफ्ते में करती हूँ और कुछ ऐसा नहीं है कि बेडशीट वगैरह मेरी गंदी होती है. तो ये हफ्ते भर का एक काम जो है वो मेरा थोड़ा कम हुआ है. तो सारी बेडिंग जो है वो मैंने निकाल दी है, और उसके बाद ये अब मैंने समर वाली काइंड ऑफ स्प्रिंग वाली यहाँ पे बेडशीट बिछा दी. अब तक वो वॉर्म वाली ही लगी हुई थी, तो उसको मैं ड्राई क्लीन करा के रख दूंगी, और बाकी जो वॉश हो जाएगा मशीन में वो मैं वॉश कर ही दूंगी. इसके बाद ईवी की जो बेडिंग है वो भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है, और उसका जो ये मैट्रेस है ना इस साइज की मुझे कोई फिटेड शीट मिली ही नहीं अब तक. तो सिंगल बेडशीट होती है या डबल बेडशीट होती है, तो वही बस मैं फोल्ड करके चारों तरफ से उसके मैट्रेस के ऊपर लगा देती हूँ. और अभी किसी ने कमेंट भी किया था कि अब तो ईवी बड़ी हो रही है तो कॉट आप उसकी निकाल दीजिए. तो ये बिग साइज की कॉट है और वो कॉट में कंफर्टेबली सोती भी है, तो इसीलिए अभी तो कुछ निकालने का सोच नहीं रहे. बीच में हाँ उसने परेशान किया कि वो बेड पे आ जाती थी, लेकिन अभी फिर से जो है वो थोड़ा ठीक सो रही है अपनी कॉट में. बट हाँ फ्यूचर में अगर लगेगा कुछ एक महीने में कि हाँ वो परेशान कर रही है या वो नहीं सो पा रही है, तो ऑब्वियसली हम कॉट निकाल ही देंगे, और कितने ही दिन इस कोर्ट में वो सो पाएगी. एंड इट इज़ अ मेमोरी एक्चुअली, यू नो, धीरे धीरे बच्चे ग्रो हो जाते हैं, और कई बार ना बहुत ज़्यादा दिल भी भर के आता है कि आई एम डन विद बेबी, आई एम डन विद नर्सिंग, आई एम डन विद ब्रेस्ट फीडिंग. सो यू नो सारी चीज़ें जो हैं वो बस लाइक सब कुछ हो गया है. तो कई बार ना वो एक हार्मोनल चेंज के रोना आ जाता है कुछ इस तरह से. आई डोंट नो के मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ इस चीज़ को, बट बहुत ना अजीब सा लगता है कभी भी कि लाइफ कितनी सारी स्टेजेस पार करते जाते हैं और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. तो खैर बेडिंग वगैरह जो है वो सब कुछ चेंज हो गई हैं. इसके बाद जो है मेरी ये तीन साड़ियाँ रखी हुई हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी, तो इनको भी मैं हैंग कर रही हूँ. अलग अलग हैंगर्स थे नहीं मेरे पास, लेकिन जीन्स का ये हैंगर जो है मल्टीपल हैंगर जिसमें चार जीन्स या ट्राउज़र वगैरह आप हैंग कर सकते हैं, वो खाली हुआ था क्योंकि कुछ एक जीन्स और ट्राउज़र मेरे ऐसे थे जो मैं पिछले 6-7 साल से यूज़ कर रही थी, तो इस बार मैंने उनको डीक्लटर करके डोनेट कर दिया है. होली आ रही है तो एक्चुअली ये वीडियो होली वाले दिन ही जाएगी, तो होली पे मैं इस तरह से इस चीज़ें निकाल देती हूँ. वैसे एवरी 3 मंथ में अपनी वार्डरोब जो है या बच्चों के कपड़े वो सब डीक्लटर करती ही हूँ, तो उस मल्टीपल हैंगर में ही मैंने अपनी जो साड़ीज़ हैं वो हैंग कर दी हैं. जब आगे कभी मुझे सिंगल हैंगर बाहर जाना होगा तो फिर मैं ले आऊँगी और फिर अलग अलग हैंग कर दूँगी. इसके बाद जो है बस वो थोड़ी सी मुझे डस्टिंग करनी थी. वैक्यूम तो साहब ने कर ही दिया था. मिरर वगैरह जो है वो मैंने अच्छे से यहाँ पे चमका दिए हैं. हालांकि ये वाला मिरर इतना यूज़ होता ही नहीं है क्योंकि वॉशरूम से निकले तैयार होके अपना वहीं पे जो है मुझे बिंदे लिपस्टिक सिंदूर आईब्रो पेंसिल जो भी लगानी होती है क्रीम व्रीम सब वहीं पे रखी हुई है, वहीं कर लेती हूँ.
बट हाँ वही है कि घर में चीजें होती हैं तो सफाई तो करनी ही रहती है। और बस इसके बाद जो ये बेड साइड टेबल्स वगैरह हैं इनकी भी मैंने यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और जो बेड है वो हमने अभी कुछ 3 हफ्ते पहले ही अच्छे से वैक्यूम किया था, मैट्रेस वगैरह वैक्यूम किया था, तो मैंने इस बार नहीं किया। नेक्स्ट टाइम जब अब मैं बेडशीट चेंज करूँगी तो उस टाइम पे करूँगी। तो काइंड ऑफ महीने में एक बार ही मैं पूरे बेड को जो है वो वैक्यूम करती हूँ। तो बेडरूम हमारा नाइस एंड क्लीन। और जब नई नई बेडिंग बिछती है ना उस दिन तो खैर सोने का ही मज़ा अलग आता है। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि बस नहा धो के बेड भी बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके बाद मैं आई हूँ अद्वी के रूम में और उसकी भी बेडिंग मुझे सारी चेंज करनी है और ये कवर्स वगैरह उतारने, ये सब तो सब आराम से हो जाता है कि शीट्स भी उतार लो। सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे आती है उसकी जो ये फिटेड शीट बंक बेड की ऊपर वाले बंक की बिछाने में, तो मुझे ऊपर चढ़ना पड़ता है एंड आई फील लाइक के भाई वजन बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, कहीं ये टूट टाट ना जाए। वैसे 100 kg की कैपेसिटी है इसकी बट स्टिल आई फील लाइक के मुझे नहीं चढ़ना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ, मे भी आप में से बहुत सारे लोग यूज़ करते भी हों। तो मैंने एक पेयर तो अद्वी की फिटेड शीट का लिया हुआ है, दूसरा पेयर मैंने नहीं लिया है। टॉप बंक और बॉटम बंक दोनों पे ही वाइट शीट जाती है और मेरे पास 2 मैचिंग जो हैं वो बेडशीट भी नहीं है। तो ये ना ओढ़ने वाली चादर है एक्चुअली, जो मैं इंडिया से लेकर आई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, मेरी नंद की शॉप से खरीदी थी मैंने ये। तो हम इसलिए लेकर आए थे कि कभी क्या पता ओढ़ने के काम आ जाए यहाँ पे, लेकिन ये यूज़ ही नहीं हुई क्योंकि हमेशा रजाई ही निकली रहती है, इतनी कभी गर्मी एज सच पड़ती नहीं है। तो ये रखी ही थी बट इनको अब मैं जब अद्वी के बेड की शीट चेंज करती हूँ तब यूज़ करती हूँ। तो आपने देखा होगा कि इसके चारों सिरों पे जो है मैंने छोटी छोटी गांठें लगा ली हैं, तो ये एज अ फिटेड शीट काम कर देती है। ये सरकती नहीं है। अगर आप नॉर्मली इस तरह से सिंगल चादर को जो है वो आप बिछाते हैं तो वो कई बार होता है कि हाँ वो निकल जाती है, लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी गांठ लगा देंगे ना तो ये बिल्कुल वहीं पर स्टिक रहेगी, इधर से उधर नहीं सरकती है। तो वही है कि जब आगे चल के मैं कभी फिटेड शीट लूंगी एक और पेयर उसके बंक बेड का तो देखी जाएगी, लेकिन तब तक के लिए ये काम करती है और फिर उसके रूम के साथ मैच भी करती है। वाइट में ही है, सेल्फ में इसके बहुत ही हल्का सा प्रिंट है जो इतना ज़्यादा विजिबल भी नहीं है, और उसके बेड पे जो है ये वाइट शीट ही मैं बिछाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है ये बिछ गई है। और इसके बाद जो उसका डुवे कवर पिलो कवर है वो भी मैंने चेंज कर दिया है, पहले भी ब्लू कलर का ही था और अभी ये वाला भी, ये काफ़ी पुराना है और जो इससे पहले मैंने लगाया हुआ था डुवे कवर वो मैंने आई थिंक क्रिसमस के आसपास ही लिया था, आपके साथ शेयर भी किया था, B&M से लिया था। ये वाला आई गेस मैं होम बार्गेन से लाई थी और ये काफ़ी पुराना है, पिछले वाले घर में भी आपने देखा था। तो ऊपर वाला बंक बेड जो है लाइक बंक वो हो गया सेटल, नीचे वाले पे भी मैंने इसी तरह से ये शीट बिछा दी है, यहाँ पे हल्का सा प्रिंट आपको ये दिख ही जाएगा। और बस कुशंस वगैरह उसके लगा दिए, मोस्टली यहाँ पे वो बैठ के अपनी बुक रीडिंग वगैरह करती है और ईवी का भी ये फेवरेट प्लेस है। तो अद्वी का रूम भी सेटल, यहाँ पे तो आपको फटाफट सारी चीज़ें देखने को मिल गई, लेकिन लिटरली मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट लग गए थे दोनों रूम की बेडिंग वगैरह चेंज करने में, डस्टिंग करने में, क्लीन करने में। तो चलिए अब फटाफट जो है वो लंच बना लेते हैं और वीकेंड स्पेशल जो है यहाँ पे आज खिचड़ी बनने वाली है जिसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करूंगी। डिफरेंट स्टाइल की खिचड़ी है, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है मेरे घर में जो सभी अच्छे से खा लेते हैं, मुझे ऐसा नहीं होता कि बच्चों के लिए कुछ अलग से बनाना होता है, वो भी आराम से इसको खा लेते हैं और सुपर हिट होती है। लाइक हफ्ते में 3 से 4 बार मेरे घर में खिचड़ी बनी जाती है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की, और रायता हो जाए साथ में, पापड़ चटनी हो जाए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो खैर मज़ा किसी चीज़ में है ही नहीं, मोस्ट सेटिस्फाइंग मील होता है। या फिर दाल भात बना लो, थोड़ा सा चोखा बना लो उसके साथ, तो ये कंफर्ट फूड होते हैं, रोटी चटनी खा लो। तो यस यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो है वो निकाल ली हैं, आपको भी दिखी जाएंगी। प्रेशर कुकर चढ़ाया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप चाहे तो घी का तड़का भी लगा सकते हैं। हींग और राई इसमें ऐड करी है और साथ ही यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है।
थोड़ा सा इसको भूनेंगे, इसके बाद मैंने करी पत्ता ऐड करा है और इसके बाद बारीक कटी हुई इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दी है, एक ही मैंने ली थी। और फिर प्याज को जो है हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, इस खिचड़ी में मैं टमाटर ऐड नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़े से कैश्यूज ऐड करे हैं, वैसे इसमें पीनट्स जाती हैं लेकिन पीनट्स खत्म हो रही थी घर में, तो बस थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए मैंने इसमें काजू डाल दिए हैं। बेसिक मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम सौते करेंगे और इसके बाद अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो एक तो मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब ऐड करी है, एक कैरेट है और जुकीनी है, बारीक बारीक मैंने इसको कट कर लिया था। बाकी आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं, अगर आपको मटर पसंद आती है खिचड़ी में तो मटर डाल लें, बीन्स डाल लें, मेरी फ्रेंड है वो बैंगन भी डाल लेती है, तो जो भी आपको पसंद हो गोभी वगैरह आप वो सब इसके अंदर ऐड कर लें, तो मिक्स वेजिटेबल ये खिचड़ी होती है। इसके बाद मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड करा है। अच्छा, मैंने फ्रोजन क्यूब ली है जिंजर गार्लिक की, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, फाइनली चॉप कुटा हुआ पेस्ट जैसा भी आपका मन करे। अब यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और ये है दाल चावल जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिए हैं और 1/2 कप यहाँ पे दाल है, और दाल मैंने ली है अरहर की। तो पहले मैंने दाल भिगो के रख दी थी, जब वो 1/2 घंटा भीग गई थी उसके बाद उसी में मैंने चावल डाल के भिगोए हैं, फिर चावल को भी मैंने 1/2 घंटा भीगे रहने दिया। तो काइंड ऑफ दाल जो है हमारी वो 1 घंटा भीगी है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि दाल आपको ज्यादा देर के लिए भिगानी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टैमरिंड सॉस ऐड करा है, उससे फ्लेवर बैलेंस हो जाता है, थोड़ा खट्टापन भी आ जाता है और उसमें हल्की सी मिठास भी रहती है। या फिर आप टैमरिंड का पल्प और थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो गुड़ का इसके अंदर ऐड कर दें, परफेक्ट आपकी खिचड़ी तैयार होगी। और एक ही विसल में हमारी ये खिचड़ी डन हो जाती है। बाकी हर प्रेशर कुकर जो है वो अलग अलग होता है, मेरे इस प्रेशर कुकर में जो है वो विसल नहीं आती है, तो मैं टाइमर लगा के इसको 3 से 4 मिनट का प्रेशर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एक रेड अनियन ली है और काफी सारा मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, एक मैंने यहाँ पे ये टमाटर लिया है और चीजों को जो है वो थोड़ा मोटा मोटा कट करके चॉपर में ऐड करा है, एक मैंने जो है यहाँ पे हरी मिर्ची डाली है। और जो ये वाला रायता बनता है ना, इतना फ्लेवरफुल होता है, आप इसको ऐसे भी बोल में डाल के यूं ही खा लेना तो भी ये बहुत सेटिस्फाइंग और बिल्कुल कम्प्लीट मील जैसा होता है। तो बस अब इसको जो है वो यहाँ पे मैं फाइनली चॉप कर लूंगी। अब तो ये मशीनें हो गई हैं, बड़ी सहूलत हो गई है कि आप जो है वो फटाफट जो है वो चलाए और एक 30 सेकंड में ये काम डन हो जाता है। पहले जो है वो सिलबट्टे पे इसको दरदरा जो है वो पीसा जाता था, और अगर आपको वो मेहनत करनी पसंद है तो आप सिलबट्टे में या फिर कुंडी में जो है वो मूसल से ही इसको कर ले दरदरा सा, तो और भी अच्छा इसका फ्लेवर जो है वो उभर के आता है। मैंने तो जल्दी में चॉपर में ही कर लिया, और वैसे भी मेरे पास सिलबट्टा तो है नहीं, बट हाँ कुंडी है मेरे पास, वो पेस्टल मोटर, बट उसमें टाइम ज्यादा लगता। और घर की जमी हुई ये दही है, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल चक्के जैसी मेरी जमती है, एवरीडे हम जमाते हैं दही, और कुछ 1/2 किलो का ये डब्बा है। अच्छा, नमक और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पहले ही ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा जो चॉपर में लगी हुई थी सब्जी उसमें पानी डाल के वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब मैंने ये दही ऐड करी है और इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल फ्लेवरफुल हमारा ये रायता तैयार होता है, और काइंड ऑफ बिल्कुल चाट जैसा इसका टेस्ट लगता है। अब जो है इस रायते में हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, तो 1 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल डाला है, गरम कर लिया उसको अच्छे से, और उसके बाद उसमें मैंने जीरा ऐड करा है, और जीरा जैसे ही बिल्कुल काला हो जाए ना तब आप इसको रायते के अंदर ऐड कर दें। और ये तड़के वाला रायता, ओ माय गॉड, बस पूछे ना कि ये कितना टेस्टी लगता है। मिस्सी रोटी के साथ भी ये बड़े मजे का लगता है। तो यस, यही बोला जाता है कि चटनी के 3 यार, पापड़, रायता और अचार, तो वो सब मैं रखने ही वाली हूँ। तो पापड़ यहाँ पे मैं भून रही हूँ माइक्रोवेव में, वैसे तो आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, रोटी मेकर हो तो उसमें भी कर सकते हैं, मैं माइक्रोवेव में कर लेती हूँ, जल्दी रहता है, और 30 सेकंड में जो है ये पापड़ हमारा बिना ऑयल वाला भून के तैयार हो जाता है। और
और यहाँ पे प्रेशर कुकर का प्रेशर डाउन हो गया था और खिचड़ी जो है हमारी वो बहुत अच्छे से पक गई है। इसको बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्लफ कर दूंगी। अच्छा, इसको पुलाव के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। पुलाव में तो एक एक दाना खिला खिला होता है, बट खिचड़ी इज लाइक खिचड़ी के वो थोड़ी सी मशी होती ही है, बट ये बहुत फ्लेवरफुल बनती है, होलसम मील है, आप ज़रूर ट्राई करना। और बच्चों को फिर ये बहुत पसंद आती है, और एक बार बच्चे इसको खा लेना तो तसल्ली हो जाती है कि चलो उन्होंने वेजिटेबल भी ले ली, ग्रेन भी ले लिया, सब कुछ है इसके अंदर, प्रोटीन भी उनको मिल रहा है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। खिचड़ी सर्व कर दी है, थोड़े से मैंने क्यूकम्बर कट करे हैं, रायता और पापड़, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रायता मसाला डाल दिया है, और गुड़ और अचार जो है वो मैं अलग से रख दूंगी, और घी डाल के आप इसको सर्व करें। इट इज सो टेस्टी। तो खाना वाना खाया हमने, ईवी भी फिर सो के उठ गई थी, और फिर थोड़ा सा आई थिंक कुछ 4 बजे के करीब हम लोग कॉस्को गए थे, कुछ एक सामान लेना था हमको, एक दो गिफ्ट आइटम्स लेने थे, और फिर वही है कि कॉस्को जाओ तो फिर घर का भी कुछ ना कुछ सामान आ ही जाता है। और अब ना गार्डनिंग की बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, और ये फाउंटेन देख के तो मेरा दिल ही आ गया, बट फिर इसके प्राइस देख के आई वाज लाइक कि नहीं दीपिका रुक जाओ, कुछ ज़्यादा ही महंगा है। और ये वाला ना डाइनिंग टेबल का जो सेट है बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और ये वाला तो खैर पूछो ही ना। ये सोफा सेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और सुंदर लग रहा था, प्राइस आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो गार्डन भी बड़ा होना चाहिए, बट लाइटिंग इफेक्ट इसका बहुत अच्छा था। और बस फिर घर आए, अद्वी के ना घुटने में थोड़ी सी चोट लगी हुई है, अभी स्पोर्ट्स डे था ना तब लगी थी उसको ये, तो ईवी जो है ना वो उसके ऊपर फूंक मार के उसको सही कर रही है। अच्छा, कॉस्को जाते हैं तो डिनर जो है वो तो सॉर्ट हो ही जाता है, बच्चों को हमने पिज़्ज़ा स्लाइस दिलवा दिए थे, और हमारी खिचड़ी ऑलरेडी रखी ही हुई थी, और बस इन दोनों बहनों की यहाँ पे बातें चल रही हैं। Where is the dress? Tell me. Okay, you can't do it up. Oh dear. और ये देखिए ईवी ने क्या करतब यहाँ पे मचाए हुए हैं। उसका नाइट सूट लेकर आई थी मैं पहनाने के लिए कि अब रात को चेंज करूंगी, तो वो खुद से पहन रही है, तो पजामा तो सही पहन लिया, टॉप उससे पहना नहीं गया है, तो अब यहाँ पे बस वही दिखा रही है कि ड्रेस जो है वो फंस गई। तो यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीकेंड ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना सारे लिंक्स के लिए।